नमस्कार। बीएड फर्स्ट ईयर इकाई 3 चल रही थी हम लोगों की, और अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो शिक्षण, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण तकनीकी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शिक्षक के बारे में, जो शिक्षण करवा रहा है, शिक्षण कार्य करवा रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शिक्षण के समय शिक्षक का व्यवहार जानते ही हैं, जो शिक्षक होता है वो बच्चों के लिए एक आदर्श रूप होता है। तो कक्षा में और कक्षा के अंतर्गत जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, ठीके? कोई कार्यक्रम है तो उसके अंतर्गत शिक्षक की क्या भूमिका रहनी चाहिए, शिक्षक को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो एक आदर्श रूप है। अगर हम सपोज अगर हम कहते हैं बच्चे को, अगर हम कहा जाए कि गृह कार्य दिया है इस मैडम ने, दिया है इस सर ने दिया है, तो वो बहुत जल्दी गृह कार्य को कंप्लीट कर देता है। लेकिन अगर वही बात अगर माता पिता या भाई बहन कहते हैं तो वो नहीं करता है। तो अगर शिक्षक की बात अगर बालक इतने गंभीर रूप से ले रहा है तो शिक्षक की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए, मतलब कि बालक उसको करे, ठीक है। तो एक आदर्श रूप में उसकी भूमिका होनी चाहिए शिक्षक के व्यवहार की। तो हम देखते हैं प्रो एस के दुबे के शब्दों में उन्होंने बताया है, शिक्षक व्यवहार का आशय शिक्षक की संपूर्ण विद्यालय क्रियाओं से होता है, जो कि कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सफल संचालन में प्रदर्शित होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो शिक्षक का व्यवहार है वो कक्षा कक्ष में और पाठ्य सहगामी क्रियाओं, ठीक है, तो उसका जो अच्छा प्रदर्शन करके बताती है ऐसा उसका व्यवहार होना चाहिए, मतलब कि उनका स्वरूप या व्यवहार कैसा होना चाहिए जो कि अच्छा प्रदर्शित होने वाला व्यवहार होना चाहिए एक शिक्षक का व्यवहार। अब बात आती है जो शिक्षक का व्यवहार है, अब वो व्यवहार क्या होता है, जो अध्यापक और विद्यार्थी जो आपस में बात कर रहे हैं, अंत्यक्रिया कर रहे हैं, वो व्यवहार कहलाता है, ठीक है, उसी को हम देखते हैं। तो आपस में हम देखते हैं कि अंत्यक्रिया विश्लेषण की अवधारणा। अब जो इनमें अंत्यक्रिया हो रही है कक्षा कक्ष में, जो शिक्षण कार्य हो रहा है उसी उसी के अंदर हमको व्यवहार देखना है ना, कि उसके अध्यापक के घर जाके तो उसका व्यवहार नहीं देखना है, हमें कक्षा कक्ष की बात हो रही है तो व्यवहार की बात हो रही है। तो अंत्यक्रिया विश्लेषण, अंत्यक्रिया क्या होती है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चा पढ़ रहा होता है, जो आपस में ये अध्ययन और अध्यापन की क्रिया होती है वो अंत्यक्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत अध्यापक पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं और बीच में प्रश्न पूछना है, ठीक है, इस प्रकार की क्रिया होती है वो अंत्यक्रिया कहलाती है। अब इसके अंतर्गत एक अंतःक्रिया का विश्लेषण करना है, मतलब कि उसको अलग करके बताना है कि उसके अंतर्गत क्या होता है। मान लो अगर हम एक कविता पढ़ा रहे हैं तो हम कविता के अंदर शब्दार्थ बताएंगे, ठीक है, उससे संबंधित अगर उसका भावार्थ बताएंगे, उससे संबंधित कोई प्रश्न होंगे, वो है ना, तो इस प्रकार से हम लोग उसको क्लियर करके बताते हैं। तो उसी प्रकार अब अंतःक्रिया का विश्लेषण किस प्रकार होगा कि अंतःक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, क्या होगा उसके अंदर। तो उसके अंतर्गत दो दो प्रक्रिया होती है, एनकोडिंग और डिकोडिंग। एनकोडिंग के अंतर्गत तो होता है कि जो शिक्षक व्यवहार, शिक्षक और विद्यार्थी जो व्यवहार कर रहे हैं उनको लिखा जाता है, ठीक है, उनका अभिलेखन किया जाता है। और जो डिकोडिंग होता है इसके अंतर्गत जो ये लिखित हमने जो लिखा है, कि सपोज अगर टीचर ने ना प्रश्न पूछा तो उसके लिए भी शब्द होता है, कि उसके लिए भी संख्या दे दी है कोई, और प्रश्न पूछना है, फीडबैक देना है, इस प्रकार की जो क्रिया अंत्यक्रिया हो रही है उनको जो गठित हो रही है घटनाएं, जो अंत्यक्रिया हो रही है उसको हमने अभिलेखन कर दिया, लिख लिया अंत्यक्रिया के अंतर्गत। फिर डिकोडिंग के अंतर्गत क्या होता है कि जो अभिलिखित घटनाएं होती है, ठीक है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि शिक्षक ने जो पढ़ाया है वो कितना प्रभावपूर्ण है। अगर सीधी सी बात समझ ली जाए कि अगर हम लोग किसी कक्षा में किसी टीचर का अगर निरीक्षण कर रहे हैं, वो पढ़ा रहा है और निरीक्षण कर रहे हैं, तो हम बैठे बैठे देखते हैं कि टीचर ने प्रश्न पूछा लेकिन फीडबैक नहीं दिया, ठीक है, तो हमने लिखा ना कि भी उसने फीडबैक नहीं दिया। अगर वो लिख रहा है, अगर फीडबैक दे रहा है तो हम लोग लिखेंगे उसने फीडबैक दिया, उसका श्याम पट कार्य अच्छा था, बच्चे जवाब दे रहे थे, मतलब कि ना कक्षा में पूरा अच्छा माहौल था, अनुशासन बना रहा, तो ये सब चीजें हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये लिखा है इसी के अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उसने टीचर का व्यवहार कैसे था, ठीक है, उस समय तो हम क्या निकालते हैं कि भाई टीचर ने अच्छा पढ़ाया है ना। तो अब यहाँ पर हम व्यवहार की बात हो रही है तो व्यवहार को देखेंगे कि भाई इसके अकॉर्डिंग उसने व्यवहार अच्छा किया, उसका शिक्षण कार्य प्रभावपूर्ण रहा, ये होती है अंत्यक्रिया अवधारणा। अब बात आती है फ्लैंडर का अंत्यक्रिया विश्लेषण। अब ये फ्लैंडर कौन है और इनका अंत्यक्रिया विश्लेषण क्या है। तो सन 1900
55 से 1960 ये 5 वर्षों के मध्य फ्लैंडर डॉक्टर एन ए फ्लैंडर ने और इनके साथियों ने जो कक्षा कक्ष में जो अध्ययन की क्रियाएं हो रही है कक्षा कक्ष में वो उसका अध्ययन किया इन्होंने 5 वर्ष तक। और फिर निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि भाई जो कक्षा कक्ष में व्यवहार हो रहा है उसको देखकर, ठीक है, और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालकर इन्होंने फ्लैंडर अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान बनाया जिसको सामाजिक प्रतिमान भी कहते हैं। और अब इसके अंतर्गत ये इनको 4 भागों में इन्होंने बांटा है कि उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई जो कक्षा में जो शिक्षण कार्य हो रहा है वही अगर कोई निरीक्षक देख रहा है या फिर हम अगर पॉइंटों के माध्यम से अगर पढ़ाएंगे, ठीक है, रूल्स के माध्यम से पढ़ाएंगे तो हम अच्छा पढ़ाएंगे। और अगर सब ये मान लो कि हम पूर्व योजना बनाकर पढ़ाएंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे। तो इसके अंतर्गत भी यही है कि फ्लैंडर के अंतर्गत जो जांच की जाती है विश्लेषण किया जाता है उसके अंदर ये देखा जाता है कि भाई जो टीचर है वो पढ़ा रहा है वो उद्देश्यों के आधार पर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, जो वो पढ़ा रहा है तो उस उद्देश्यों को प्राप्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस प्रकार की क्रिया होती है। फिर आती बात पूर्व व्यवहार की, तो पूर्व व्यवहार के अंतर्गत जो वहां पर वो व्यवहार करने जा रहा है।